हाय दोस्तों, एक बैटरी बनाने जा रहे हैं। तो कई भाइयों का क्वेश्चन था कि एक बैटरी बनाने का वीडियो भी दीजिए। तो आइए आज चलते हैं। एक 48 वोल्ट और 16 एम्पीयर की बैटरी, एक्चुअली एक हमारे एक स्कूटर के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसी के लिए स्पेशली बना रहे हैं। तो ये 16 एम्पीयर के बैटरी बनाने जा रहे हैं, 48 वोल्ट का। तो आप देख सकते हैं किस तरह कनेक्शन किया गया है, किस तरह कनेक्शन किया गया है। देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा गया है और ये 8 बैटरी को एक साथ में जोड़ा गया है, और इधर ये पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बैटरी का मतलब हुआ कि ये 8, हर एक सेल में 2 एम्पियर होता है। तो इसको, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो ये पैरेलल कनेक्शन दिया गया है इसलिए कि ये इसका एम्पियर बढ़ाया जाएगा। तो हर एक सेल में 2 एम्पियर होता है, तो 8 दुगने 16 एम्पियर हो गया। और एक एक बैटरी में, ये पूरे ब्लॉक में, 3.7 वोल्ट है और ये 16 एम्पियर का हो गया है। तो अब जैसे जैसे इसको कनेक्शन दिया जाएगा, सीरीज कनेक्शन दिया जाएगा। अब तो सीरीज कनेक्शन जब दिया जाएगा तो इसमें वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस तरह से कनेक्शन दिया जाएगा, एक प्लस और एक माइनस में जब कनेक्शन दिया जाएगा तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसका वोल्टेज ऐसे बढ़ा करके दिखा दे रहे हैं, और आइए इसका वोल्टेज दिखा दे। तो आइए इसका, ये जो बैटरी ब्लॉक है इसका वोल्टेज दिखा देते हैं। देखिए, 3.8 वोल्ट, ये पूरे ब्लॉक में 3.8 वोल्ट और 16 एम्पियर का ये बैटरी है। अब इसको जैसे जैसे सीरीज कनेक्शन दिया जाएगा तो इसमें वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। तो आइए चलते हैं, इसका सीरीज कनेक्शन करके दिखा देते हैं। अब देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको यहाँ से कनेक्शन दिया जाएगा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, in strength. Now I'm the only one. अब इधर से कनेक्शन दे दिया गया है। अब यहाँ से वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। अब ये हो गया प्लस और इधर हो गया माइनस, किसी भी साइड में लीजिए, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। देखिए, 11.5 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे ही ये पूरा 13 ब्लॉक को जोड़ा जाएगा तो बैटरी तैयार हो जाएगा, 48 वोल्ट और 16 एम्पियर। फिर से किसी भी एक साइड में जाइए आप।
अब ये प्लस साइड हो गया, तो एक माइनस ब्लॉक ले लीजिए, माइनस साइड, कोई भी एक माइनस साइड इस तरह रख करके फिर इसको यहां से कनेक्शन कर दीजिए। फिर से देख सकते हैं ये कर दिए हैं, तो फिर से वोल्ट चेक करा देते हैं। ये माइनस हो गया, ये माइनस है लास्ट और ये प्लस हो गया। पंद्रह पॉइंट चार बता रहा है, वो एक्चुअली 15.4 है। अब एक और जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों बैटरी हमारा बनके तैयार हो गया है, 48 वोल्ट और 16 एम्पियर की बैटरी है। और ये लगाने जा रहे हैं बीच में सेपरेट पेपर जो ओवर हीट से बचाएगा एक दूसरे को, बैटरी जो कोई अगर बीच में ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये दूसरे सेल को हीट होने से बचाएगा। तो इसको इस तरह जो गैपिंग है इसमें लगा देना है, ठीक इसी तरह से दूसरे साइड को भी लगा देना है। तो आप देख सकते हैं सब हो गया। अब इसको टेप लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बैटरी बनके तैयार हो गया है। आप भी अपने घर में ऐसा बैटरी बना सकते हैं। तो आइए इसका वोल्टेज दिखा दें। जैसे कि बताए थे ये 48 वोल्ट और 16 एम्पियर के, तो 16 एम्पियर का मतलब होता है 8 सेल, 2 एम्पियर का होता है एक सेल, तो 8 सेल का मतलब 16 एम्पियर हो गया। और इधर ऐसे 13 लाइन है,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तो सीरीज में 13 कनेक्शन है, सीरीज में 13 लाइन है और 8 में पैरेलल है। पैरेलल कनेक्शन में आपका ये एम्पियर बढ़ गया और सीरीज कनेक्शन दिया गया है इसमें आपका वोल्टेज बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं ये माइनस है, लास्ट है, सिंगल फेस है और इधर प्लस होगा। तो अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है और ये मल्टीमीटर है। तो अड़तालीस वोल्ट एक्चुअली नहीं बनता है उसका, अभी ये फुल चार्ज नहीं है, चार्ज होगा तो और वोल्टेज हो जाएगा, 54 वोल्ट तक हो जाएगा। तो अब जो है इसको चार्ज किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं 49.1 समझ लीजिए, कभी एक कभी दो बता रहा है, मतलब 49 वोल्ट ही समझ लीजिए। तो ये अभी चार्ज होगा तो और वोल्टेज हो जाएगा और इसमें BMS भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसको कनेक्शन दिया गया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी तरह से एक गैपिंग है, उसके बाद देखिए एक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सिंगल फेस है पॉजिटिव का और इधर इसका सिंगल फेस है नेगेटिव का। तो अब बीच का कनेक्शन देखिए, ये जो जोड़ा गया है पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया है, सीरीज कनेक्शन है, तो इसमें ये बीच बीच में कनेक्शन और दिया जा सकता है, और सेल में दिया जा सकता है। तो अभी इतना दे करके इसको बना दिया गया है, इसको एक एक कनेक्शन इसी तरह से इधर से भी है, एक एक कनेक्शन बीच बीच में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव वो है, तो इसमें से आप कहीं से एक तार निकाल सकते हैं, यहाँ से चाहे यहाँ से, नेगेटिव वाला तार इधर से निकलेगा और इधर पॉजिटिव कहीं से एक निकाल दीजिए, तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा और इधर से नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। तो बैटरी आप भी अपने घर में ऐसा बना सकते हैं, और ये सारे के सारे लैपटॉप से निकाला हुआ वो है बैटरी, SL है, जिसको आप भी इस तरह से बना करके अपना काम चला सकते हैं। छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट हो, जैसे कि आप मोटर वाला गाड़ी मोटरसाइकिल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। ये एक्चुअली हमारा स्कूटर के एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए बन रहा है। तो आगे आपका अगर कोई कमेंट होता है तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, और आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और घंटी के बटन को ऑन रखिएगा कि आगे वीडियो देते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, ये देख लीजिए बैटरी, इसी तरह से कनेक्शन आप भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।